नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसका उपयोग चाहे स्टूडेंट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी दुकानदार हो, सभी को अपने हिसाब निकालने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और इसके रिजल्ट पर सबको भरोसा होता है। तो जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस आविष्कार की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किसने किया। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने निर्माण किया था। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस यंत्र का निर्माण किया था। इस कैलकुलेटर में सिर्फ तीन ही न्यूमेरिकल ऑपरेशन जैसे जोड़, गुणा और घटाना कर सकते थे। इस कैलकुलेटर में इन्होंने इंटरलॉकिंग गियर का इस्तेमाल किया था, जिसे हम टेलीफोन में डायल करने जैसी संख्याओं को डायल कर सकते थे और गणना का परिणाम दूसरी विंडो में दिखाई देता था। इस तरीके से यह हमारा पास्कल जी का कैलकुलेटर था। साल 1694 में लेई बिनीज नामक जर्मन के आविष्कारक ने इस कैलकुलेटर में कुछ बदलाव लाए, जैसे इसमें अब गुणा विभाजन कर सकते थे। मार्केट में प्रेजेंट टाइम में आपको अनेक प्रकार के कैलकुलेटर मिलेंगे, लेकिन सबसे प्रचलित कैलकुलेटर की बात करें तो चार प्रकार के काफी पॉपुलर है आज के दौर में। बिजनेस कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर और ग्राफिक कैलकुलेटर और फाइनेंशियल कैलकुलेटर। ये चार प्रकार के हमारे कैलकुलेटर हैं जो मार्केट में चलते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बेसिक कैलकुलेटर, यह कैलकुलेटर जो बच्चे से लेकर बड़े हर कोई गणना करने के लिए उपयोग करता है। इसमें चार न्यूमेरिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ा, घटाना, गुना और भागा के अलावा परसेंटेज कैलकुलेट करता है। दूसरा हमारा है साइंटिफिक कैलकुलेटर। यह एडवांस लेवल कैलकुलेटर है जिसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन के अलावा लॉगरिथम, नोटेशन, फ्रैक्शन, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स, कांस्टेंट, यूनिट चेंज, कैलकुलस जैसे अन्य प्रकार के फंक्शंस एक ही कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा। इसे ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग कक्षाओं में उपयोग करते हैं। ग्राफिक कैलकुलेटर, यह आर्किटेक्चर क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको एडवांस लेवल मैथमेटिशियन मिलेगा जैसे ग्राफ स्केल, बार चार्ट, फ्रैक्शंस, पोलार, पाई चार्ट, लॉगरिथम, रेक्टेंगुलर, रूट्स एंड पावर, स्टैटिक्स जैसे अन्य फंक्शन इस कैलकुलेटर में भी मिल जाएंगे। फाइनेंशियल कैलकुलेटर, यह कैलकुलेटर कॉमर्स क्षेत्र यानी कि अकाउंट्स वालों के लिए काफ़ी उपयोगी मैथमेटिशियन टूल्स है। इसमें आपको कई सारे फंक्शंस जैसे कैश फ्लो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मल्टी रिप्लाई जैसे अनोखे फीचर्स मिलेंगे। कैलकुलेटर से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर बनाने में प्रेरणा मिली थी। उस समय कैलकुलेटर भी काफ़ी विशाल हुआ करता था, जो धीरे धीरे नए विशेषताओं के साथ छोटा और विकसित होता गया। प्राचीन समय यानी 17वीं सदी और 18वीं सदी में कैलकुलेटर दो हिस्से से जुड़े थे। ऊपरी हिस्सा डिस्प्ले था तो निचला हिस्सा डायल अंकों वाला था। उस समय के कैलकुलेटर का उपयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक अध्यापक ही करते थे। 19वीं सदी तक इसके इस्तेमाल घर घर में होने लगा। आज भी कई सारे वैज्ञानिक इस कैलकुलेटर में कई बदलाव कर रहे हैं जो गणित विज्ञान के अभ्यास को बारीकी से परख सके। इन्हीं वैज्ञानिकों के योगदान की वजह से आज हम कई सारे संसाधनों का आनंद उठा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की लहर ने जैसे मानव जीवन को न रुकने का आकार दे दिया है। आशा है कि आपको आज की रोचक जानकारियों की कड़ी पसंद आई होगी। अगली रोचक जानकारियों कड़ी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ
यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।